शहद के सेवन का इतिहास दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। कहीं इसको भोजन का हिस्सा बनने का जिक्र है, तो कहीं इसको मेडिकल के यूज में करने की बात कही गई है। वहीं इजिप्ट में इसे घाव भरने के यूज में भी दिखाया गया है। वहीं चीन में शरीर की ऊर्जा के संतुलन और हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए इसका यूज समझाया गया। भारत में ये भोजन का हिस्सा बना, साथ ही इसके मेडिकल, स्पिरिचुअल और कमर्शियल यूज भी बताए गए। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद से बहुत से स्वीटेंस मार्केट में आने से शहद की इम्पोर्टेंस कहीं पीछे छूट गई। लेकिन आज भी पारंपरिक स्वीटन शहद बड़े काम की चीज है। ये डायबिटीज मैनेजमेंट में भी अहम भूमिका निभा सकता है। ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। शहद के मीठे से इसका केमिकल मेकअप बनता है। आज हम आपको बताएंगे कि शहद आपको आज के व्यस्त जीवन में भी सेहतमंद और रोग मुक्त बनाकर रख सकता है। आइए जानते हैं शहद के बनने से प्रयोग करने की विधि। शहद के बनने की प्रक्रिया पूरी तरह नेचुरल होती है। मधुमक्खियां हर तरह के फूलों से रस लेकर इसे तैयार करती हैं, इसलिए इसमें कई मिनरल्स होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया शहद शुरू में कुछ पतला होता है, ये स्टोरेज यूनिट से बह सकता है, इसलिए इसको गाढ़ा करने के लिए मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके इसे सुखाती है। इस प्रक्रिया से शहद चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है। इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए ये पौधों के कई यौगिकों से भी भरपूर होता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि शहद स्वास्थ्य को बेहतर करने वाले पौधों के पावरफुल कंपाउंड से समृद्ध है, जिन्हें पॉलीफेनल्स कहा जाता है। शहद का निरंतर सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। साल 2018 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक शहद में कई महत्वपूर्ण बायोटिक पौधों के कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट एसिड होते हैं। गहरे रंग के शहद में हल्के रंग वाले शहद की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ब्लड शुगर मैनेजमेंट में शहद का सेवन लाभकारी साबित होता है। ये सच है कि शहद अन्य शुगर की तरह ही हमारे ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम और टाइप 2 डायबिटीज से बचाने में भी मदद करते हैं। शहद के सेवन से हार्ट डिजीज रोकने में भी मदद मिलती है। साल 2020 में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक शहद ब्लड प्रेशर कम करने और ब्लड में फैट के लेवल में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। सर्दी के जुखाम की समस्या होने पर दादी नानी ने कभी ना कभी काली मिर्च लौंग या सौंठ का पाउडर शहद के साथ खिलाया होगा। इसकी एक वजह तो ये है कि ये अपनी मिठास से दूसरों की चीजों के तीखेपन को कम करता है। दूसरा, ये खांसी और खराश दूर करता है। शहद मुहासों से छुटकारा पाने में भी मदद करता है। आमतौर पर शहद का सेवन सेफ माना जाता है, हालांकि शिशुओं के मामले में इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें बॉटुलिज्म का जोखिम होता है। इसलिए कहते हैं शहद अनेक, इसके सेवन के फायदे अनेक। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।